हमारे पास एक पुस्तक आई कहीं से, नॉर्थ हिंदुस्तान से कहीं से आई है, होशंगाबाद से, आत्मसंशय। यहाँ एक बात सभी करणानियों की बातें लिखी और एक बार जो सारी साइंस की बातें लिखी, तो ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, आपका मत लिखो। उन्होंने, हमारे पास समय नहीं है, ऐसे शास्त्र, ऐसे शास्त्र भी नहीं, हम कहेंगे ऐसे कुशास्त्र पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं है। तो उन्होंने और भी किसी किसी के उसमें लिखे है किसका क्या मत है। पहले पेज में लिखा था, मेरे पत्नी और मेरे लड़के कहते कि आप कौन से नरक का बंद कर रहे हैं, आपको पता है क्या? स्वयं लिख के भेजता है। और वैसे ये सब पूरी पुस्तक पढ़ो है, हमने ऐसे कचरा पट्टी हम नहीं पढ़ते। जिसका सर्वज्ञ पर विश्वास नहीं है, उसकी बातें पढ़ने से क्या फ़ायदा है, अपना समय बर्बाद करने से क्या फ़ायदा है। सबसे पहली बात है जिनागम पढ़ने के पहले सर्वज्ञ का स्वरूप का निश्चय करना, निर्णय करना। उसके बिना इस बात पर भरोसा भी नहीं होगा और बस प्रश्न चिन्ह और उलझने पैदा होगी, अपना भी समय बर्बाद और दूसरे का भी समय बर्बाद। ये अभी क्या करें, ये ऐसे भ्रांति भ्रांति चलती है। एक तो अभ्यास करना चाहिए, शुरू से आद्योपांत अभ्यास और सभी अनुयोगों का होना चाहिए, और फिर उसमें सर्वज्ञ के निर्णय सहित हम बात पढ़ेंगे तो बिल्कुल सब समझ में आ गया। ऐसे कहीं पर भी साइंस के साथ भी विरोध नहीं है। हाँ, इसी से कि सर्वज्ञ भगवान को नहीं जानते थे कि ये सब साइंस, कौन सा साइंटिस्ट कब कौन सा इन्वेंशन करने वाला है, उनके ज्ञान में नहीं आया था क्या? अब ये तो है, 1000 साल पहले भी साइंटिस्ट थे, क्या आज के साइंटिस्ट उनकी बातें सब मान रहे हैं क्या? ओके, वो झूठ था, आज हम जो कह रहे हैं वो सत्य है। आज के 100 साल के, 1000 साल रहने की भी ज़रूरत नहीं, 50 साल के बाद कहेंगे वो सारा झूठा था, आज हम कह रहे हैं ना ये हमने प्रूव कर दिया, ये सत्य है। फिर भी हम ऐसे हैं, उनका तो सर्वज्ञ का केवल ज्ञान है और हमारा तो क्षोक्षम ज्ञान है, इतना सा ज्ञान, और उस ज्ञान के आधार से हम उनको प्रूव करना चाहते हैं, सर्वज्ञ को। जो क्षायिक ज्ञानी है, केवल ज्ञानी है, उनके ज्ञान की तो क्या महिमा है, और हमारा इतना सा ज्ञान है, वो भी किसी क्षेत्र में कुछ ज्ञान है, सब क्षेत्र का तो नहीं है, अपने अपने क्षेत्र में थोड़ा अधिक जान रहे हैं, परंतु फिर भी हम उसका आधार लेके वो सर्वज्ञ को जांचना चाहते हैं, डिसप्रूव करना चाहते, प्रूव ही नहीं करना चाहते, नापना चाहते हैं। हमेशा ये बताते हैं ना, बचपन में पिताजी के साथ जाते थे और उनका ऑफिस था, पिताजी का हमारे ससुर जी का, वो चौपाटी सी फेस के सामने ऑफिस था, तो बच्चे करके पिताजी लेके जाते थे और दिन भर क्या भेल खानी है ना शाम को, तो मैं क्या करूँ अभी, तो इतनी से कुछ बकेट ले ले जाओ समुद्र का पानी नापो। पिताजी भी होशियार थे, हाँ, उन्होंने तो जाइए नापो पानी शाम तक कितना होता है, कितना बकेट हो जाता है, जरा नाप लो, एक बड़ी बकेट है और एक छोटा एक मग दे दिया, तो मग से पानी नापा करो। ऐसे हमारी परिस्थिति है, हमारे इतने से ज्ञान से, और वो भी ज्ञान अपना नहीं है, किसी साइंटिस्ट ने कुछ लिखा है, वो साइंस भी पूरा नहीं जानते, कुछ कुछ सुना हुआ, कहीं कहीं पढ़ा हुआ, टीवी पर देखा हुआ, इतनी बात हमें मालूम है, पूरा साइंस भी हमें मालूम नहीं, और उस साइंस के आधार से हम सर्वज्ञ को प्रूव करना चाहते। ये हमारे बुद्धि का दिवाला है। देखो ऐसा है, जो सरल परिणामी है, ये जो सम्यक्त के भेद बताए हैं ना, आज्ञा सम्यक्त, ऐसे सरल परिणामी है कि सर्वज्ञ है तो बिल्कुल केवल ज्ञानी है, सब कुछ जानते हैं, और जो कुछ उनका उपदेश है सरल बुद्धि से, सरल मति से ग्रहण करते हैं और उनको सम्यक दर्शन हो जाता है। ज़रूरी नहीं सब इतना आगम पढ़े 40-40 साल तक और 15-15 साल तक, और उनके सम्यक दर्शन हो जाता है, और कोई पूरा 11 अंग 9 पर पढ़े और सम्यक दर्शन नहीं होता, क्यों नहीं होता? कहीं ना कहीं वो तो संशय पड़ा है अंदर, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, पंचम काल का टेढ़ा जीव है, वक्र परिणामी है। वो क्या कहते हैं, ये कैसे हो सकता है, ये क्यों इतना गड़ा फाड़ फाड़ कर 5-5 दिन में 30-30 घंटे क्यों बोल रहे हैं, इनका इसमें कुछ तो फायदा होना चाहिए। ये हमारे अनंत भाई
₹100 में गुरुदेव के 9,000 9,500 प्रवचन दे रहे हैं, इनमें इनका तो कुछ फायदा होना चाहिए। क्योंकि जो वक्र परिणामी है तो वो दूसरे की भी वक्रता ही ढूंढता है, वो भले नहीं है तो भी अपने दिमाग से सोचता रहता है। हाँ, विभीषण अभी क्या है पता है ना, रामायण तो सबको पता है। राम रावण की कथा मालूम है कि नहीं मालूम? तो रावण के भाइयों ने बहुत समझाया कि ये तो कल कर रहा है, वो गलत कर रहा है। रावण को समझाया कि तो ये बात सही नहीं कर रहा है, तो विभीषण ने उसका पक्ष छोड़ दिया और राम के पास चला गया। आज मैं आपके पक्ष में आना चाहता हूँ, अपने यहाँ चलता है ना पॉलिटिक्स में। हाँ, तो आज तो स्वार्थ के लिए करते हैं, परंतु उस वो तो सिंसियर था, वो तो गया कि मैं उसका पक्ष नहीं लेना चाहता, अभी मैं आपके पक्ष में आ जाऊँगा। तो लक्ष्मण ने क्या बोला, अरे इसका इसमें कुछ डाव है, क्यों ये अंदर की कुछ अपने गुप्त जो कोई अपनी इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है, तो नहीं हम आपको नहीं लेंगे हमारे पक्ष में। तो कहते हैं मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ और मैं अगर ऐसा सोच रहा हूँ तो मरकर मैं पंचम काल का मनुष्य हो जाऊँगा। देखो अभी तो हम, देखो हम अभी पंचम काल के, हम भोगभूमि की बातें करते हैं, यहाँ पर चतुर्थ काल की बातें करते हैं, वैसे वहाँ चतुर्थ काल के जीवों को भी पंचम काल के जीव कैसे हो गए ऐसा वो भी सुनते थे, और वो सुनकर उनको समय दर्शन होता था, मालूम है? क्यों? अरे अरे ऐसे ऐसे वक्र परिणामी जीव होते हैं, कैसे ये दुर्दशा हो जाएगी, चलो अपना अभी काम कर लो।